वेलकम बैक मेरे दोस्तों। मेरे पास OB41 की न्यू अपडेट बुक भी आ चुकी है एंड हाँ, इस बार का बुक में काफी न्यू एंड यूनिक अपडेट है जो किसी यूट्यूबर ने सही से बात नहीं की होगी। लाइक एग्जांपल, व्हाट इज माइनर प्रोटेक्शन, न्यू फीमेल कैरेक्टर, चेंजेस ऑन कैरेक्टर स्किल्स, ट्रेनिंग ग्राउंड अपडेट, अपडेट ऑन बरमुदा स्पीक, न्यू नैनो वेस्ट, न्यू अपकमिंग इवेंट्स, व्हाट इज SDSR, फ्री WSP अपडेट, प्लस मोर न्यू अपडेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को प्लीज फुल वॉच करना। हम लोग बात करते हैं स्टोर UI के बारे में। इस OB अपडेट के बाद आपका स्टोर में थोड़ा चेंजेस होने वाली है। लाइक आपका स्टोर का बस UI चेंज होने वाला है, बाकी जो भी स्टोर में मिलता है बाकी वो सारे सामान एक ही रहेगा। कुछ टेंशन मतलब स्टोर का चेंजेस वही सामान रहेगा, बस आपका स्टोर का UI चेंज होने वाला है, जो ग्राफिक्स होता है ना वही चेंज होने वाला है, बाकी टेंशन मतलब। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यू कैरेक्टर के बारे में, जो एक नया कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर आने वाले पैसिव स्लॉट में। ओके, कोई एक्टिव कैरेक्टर नहीं है, पैसिव स्लॉट कैरेक्टर है एंड इसका काम जो है बहुत खतरनाक कैरेक्टर है। इसका एबिलिटी का नाम है मनी मार्क एबिलिटी। ओके, एंड इससे एबिलिटी से हम लोग को मिलने वाला है टोकन। यस माय फ्रेंड, टोकन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एनिमी को मारना पड़ेगा। जैसे आप बंदे को नॉक करके पूरा खत्म कर दोगे आपको मिलेगा एक टोकन, लेकिन उसमें आपको अगर चार चार लगाना है तो आपको मिल सकता है दो टोकन, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यूज करना पड़ेगा मोको जैसी एबिलिटी। लाइक मनी मार्किंग जो स्किल है, मैन मार्किंग स्किल्स आप लोग बोलते हो, आपके पास बस मार्किंग वाला वो होना चाहिए, ठीक है। जैसे मार्क आता ना उस टाइम में आप फायर करके खत्म करेंगे उस बंदे को, तो आपको मिलेगा 200 टोकन। तो इस तरह से आप लोग अपने टोकन को भी जमा कर सकते हो इस एबिलिटी। बाकी बात है इस कैरेक्टर को, भाई इस कैरेक्टर का नाम क्या है, तो इस कैरेक्टर का नाम है सूजी कैरेक्टर। याद रखना एक फीमेल कैरेक्टर है लेकिन बहुत ही बेस्ट पैसिव स्लॉट है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्सेनल अपडेट के बारे में। आर्सेनल अपडेट ये बहुत ज्यादा मेजर अपडेट है आप सभी के लिए अपडेट। ओके, तो ओबी अपडेट के बाद क्या होगा, अभी आर्सेनल आप खुद से बिना चाबी के भी अनलॉक कर सकते हो। लाइकवाइज मान के चलो आपके पास चाबी नहीं है, आपको चाबी नहीं मिला, तो हम लोग क्या करना है, इस अर्सनल के सामने जाके बस थोड़ा देर आपको यहाँ पे वॉक कर देना है, कैसे भी करके आपको यहाँ पे बैठना है, ठीक है। इस एरिया पे यहाँ पे एक थोड़ा गोल चक्र बन के आएगा, उसी जगह पे आपको बैठे रहना है, ठीक है गाइस। कुछ सेकंड के लिए, फिर कुछ मिनट के लिए आप लोग बैठे रहोगे ना, तो आपको बेज अपना अर्सनल खुद से खुल जाए, बस आपको थोड़ा वेट करना है उसी जगह पे, बाकी टेंशन मतलब। ये बहुत ही बेस्ट अपडेट है अर्सनल प्लेयर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अपना नेक्स्ट अपडेट है वो है नैनो वेस्ट के ऊपर। तो नैनो वेस्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, आपको डबल यूएसपी फ्री में मिलेगा, ठीक है, डबल यूएसपी। बाकी साथ ये भी एक अपडेट आने वाला है कि फ्री फायर में आप अगर किसी का प्रोफाइल चेक करोगे ना, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई हम लोग किसी का प्रोफाइल भी चेक करें, ये भी अपडेट आने वाला है। ओके, नेक्स्ट एक और चीज है, वो है नेटवर्क इंडिकेटर। नेटवर्क इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हुए नैनो वेस्ट के ऊपर। नैनो वेस्ट क्या देखो गाइस, नैनो वेस्ट ऐसा वेस्ट आएगा ना फ्री फायर में, जिससे आप लोग किसी बंदे को मारोगे ना, उसमें आपको ब्लू करके गाइस डैमेज आएगा, ठीक है, ब्लू करके डैमेज आएगा। एंड ये भी बात है कि वेस्ट का भी लेवल 1, 2, 3, 4 होगा, ठीक है, नैनो वेस्ट का भी लेवल 1, 2, 3, 4 होगा, जिसका हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं शायद से। ओके, लेकिन यही बात होगा कि नैनो वेस्ट ना अपने आप रिपेयर भी हो जाएगा, अपने आप रिपेयर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना, अगर उस वेस्ट को कंप्लीटली खत्म करने के लिए हमें हेड मारना होगा, ठीक है, हेड शॉट। अगर हम लोग बॉडी मार के खत्म करना चाहेंगे तो वो नैनो वेस्ट कभी खत्म नहीं होने वाला, ये याद रखने की बात है। नैनो वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हेड शॉट मार के खत्म करना है, बस ये याद रखना, दिमाग में बैठा लेना, हेड शॉट मारना होगा नैनो वेस्ट को अगर खत्म करना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेयर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी आपको क्या होगा, अपडेट के बाद आपको गेम में ये देखने को मिलेगा कि आपका आईडी किसने चेक किया। लाइक आप किसी भी का आईडी चेक करते हो, उनका देखते हो स्टेट्स वगैरह, तो अब नेक्स्ट अपडेट में क्या होगा, आप सबको पता चल जाएगा आपका आईडी किसने चेक किया। यस माय फ्रेंड, ये अपडेट के बाद होने वाला है, आपको बस इस तरह से जाना है एंड यहां पे चेक करना है किसने आपको रिसेंटली विजिट किया, उसका नाम पूरा आपको दिख जाएगा, कौन कौन बंदा है। ओके गाइस, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड भी दिख रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हुए हैं नेटवर्क इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क इंडिकेटर आने वाला है गेम में, इससे क्या होगा, अगर आप लोग वाईफाई यूज कर रहे हो, ठीक है, वाईफाई वगैरह यूज कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा वाईफाई का सिग्नल कैसा होगा। आपका वाईफाई का सिग्नल अगर रेड आता है तो समझ लो आपको गेम नहीं खेलना है। ओके, गेम को मतलब आपका नेटवर्क खराब है, बात ये समझ लो। अगर आपको व्हाइट आ रहा है तो समझ लो, और ग्रीन आ रहा है तो समझ लो आपका नेटवर्क बहुत सही है, आप गेम खेल सकते हो। और बात ये, एक और मेजर अपडेट है वो है फिनिशिंग मूव के ऊपर। फ्री फायर ने रिसेंटली OB41 अपडेट में फिनिशिंग मूव ऐड किया है। इस फिनिशिंग मूव में क्या होगा गाइस, आपको बंदे को जैसे नॉक करोगे ना, तो क्या होगा गाइस, आप ना बंदे को फिनिशिंग मूव दे सकते हो। फिनिशिंग मूव करके जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस, यहां पे फिनिशिंग मूव आ रहा है, अब यहां पे क्लिक करोगे तो आप एनिमी को फिनिशिंग मूव भी दे सकते हो गाइस, ठीक है। ध्यान रहे, आपको थर्ड पार्टी नहीं होना है इस फिनिशिंग मूव के दौरान। तो ये बहुत ही बेस्ट अपडेट है मेरे लिए, तो मैं बोलना चाहता हूं बहुत ही सुंदर है यार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स।
प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा सबसे सबसे ज्यादा मेजर अपडेट है आज की डेट में OB41 के। तो देखो OB41 का मैं आपको डेट भी बताऊंगा, ये भी ध्यान रखना कब आने वाला है OB41 अपडेट। ओके ध्यान रखना गाइस, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स के बारे में। तो देखो प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स का मतलब है, आप देखो जो भी मतलब बच्चे से लेकर जो भी खेल रहे हो गाइस सबके लिए ओके ये अपडेट है। यहां पे क्या होगा, अगर आप 18 साल से नीचे हो या फिर 18 साल से ऊपर है, ये अपडेट आपके लिए। तो देखो गाइस यहां पे क्या होगा, प्लेयर आपको अब जितने भी प्लेयर हो आप लोग खेल रहे हो गेम, आपको चूज करना पड़ेगा आपका एज क्या वाला। आपको देखो डायरेक्ट चूज करना होगा, लाइक आप 18 साल से नीचे हो तो आपको चूज करना होगा यहां पे, ठीक है, ऐसे चूज करना होगा। अगर आप लोग 18 साल से ऊपर हो तो यहां पे आप लोग क्लिक करना, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग सही एज ही चूज करना, जैसे आपका एज अगर 18 साल से ऊपर है तो आप लोग वही चूज करना, अगर 18 साल से नीचे तो वो चूज करना, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप लोग गलत चूज करोगे तो हो सकता है फ्री फायर कुछ भी आपका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़ेगा फ्री फायर की तरफ से, हो सकता है आपका आईडी खत्म भी कर सकता है, ठीक है। तो फ्री फायर के ऊपर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ट्रेनिंग ग्राउंड को ऑप्टिमाइज किया गया, आप देखो पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड जो फ्री फायर को मैंने बोला था लाने के लिए, लेकिन फ्री फायर वाला मेरा बात नहीं सुन रहा है, हो सकता है आपका बात सुन सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ट्रेनिंग ग्राउंड में आप देखो यहां पे जब जैसे हम लोग इस स्पॉन आइलैंड में जाते हैं, स्पॉन आइलैंड जो हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड को स्पॉन आइलैंड, यहां पे क्या होगा आप बहुत सारे यहां पे बॉट्स वगैरह आपको दौड़ते दिख जाएगा। मतलब यहां पे क्या होगा आप बॉट्स वगैरह को गाइस जितना भी बॉट्स चाहिए आप लोग वहां पे डाल सकते हो, ठीक है, 3-4-5 जितना भी चाहिए ओके। लेकिन उसका स्पीड भी और स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज वो आपके हाथ में होगा, ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, जितना चाहिए आपको बॉट वगैरह। आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या होता था पहले गाइस, मूव नहीं करता ना बॉट वगैरह, लेकिन आप क्या होगा अपडेट के बाद मूव वगैरह करेगा, ठीक है, मतलब दौड़ते रहेगा, थोड़ा सा समझ लो नॉर्मली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वह बैटल रॉयल ऑप्टिमाइजेशन। बैटल रॉयल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा ये भी मेजर अपडेट है आप सभी के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था आपको मेरा डबल यूएसपी, तो फ्रेंड्स यहां पे क्या होगा अब आपको बीआर रैंक में या फिर बीआर समझ लो गाइस, ठीक है, हो सकता है बीआर रैंक या फिर बीआर नॉर्मल में भी हो सकता है गाइस, यहां पे क्या होगा आपको मिलेगा डबल यूएसपी। यस, जैसे आप लोग लैंडिंग करोगे स्टार्टिंग में ही आपको लैंडिंग करोगे ना, आपको डायरेक्ट हाथ में मिलेगा एक ग्लूवाल मेडिकिट और यूएसपी जो कि डबल यूएसपी होगा, एंड यहां पे आपको फिस्ट फाइट करने की जरूरत नहीं, आपको कोई क्ला लाने की जरूरत नहीं है ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो है अपना सोलो डेयर सेल्फ रिवाइवल, जो कि SDSR के नाम से भी जाना जाता है ओके। तो सोलो डेयर सेल्फ रिवाइवल का मतलब है आप अपने टीममेट को खुद से अकेले रिवाइव कर सकते हो, जब सोलो वर्सेस स्क्वाड कोई बंदा बच जाता है तब उनके लिए ये लागू होता है। अब अगर आपके मन में चल रहा है स्केयर को भाई किस तरह वर्क करता है वो भी बता दो। देखो गाइस ये वर्क इस तरह करता है, मैं कुछ जैसे समझा रहा हूं गाइस, ध्यान से मन लाकर समझा ओके। देखो आप अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड जिंदा रहोगे, मतलब आप अकेले जिंदा रहोगे तो आपके स्क्वाड को सब खत्म हो चुका है एंड आप अकेले हो, तो यहां पे क्या होगा आपका एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एंड उसी टाइमर के दौरान ना आपको जिंदा रहना है ओके, एक जिंदा रहना है। अगर आप लोग खत्म हो जाओगे उस टाइमर के बीच में तो समझ लेना आपका स्क्वाड जिंदा नहीं होगा। याद रखना गाइस ये जो मार्क होगा ना गाइस, आपको मतलब एनिमीज जितना होगा ना सबको पता चलेगा ये बंदा इधर है ओके गाइस, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको सर्वाइव करना होगा, किसी हाल में सर्वाइव करना होगा वो मिनट के अंदर, ठीक है, कुछ मिनट दिया होगा, लाइक 1 मिनट 2 मिनट उतना ही मिनट दिया होगा, ठीक है, आपको बस उस मिनट में आपको जिंदा रहना है, ठीक है, उस मिनट दौरान आप अगर जिंदा रहोगे तो आप सर्वाइव हो जाएगा, आपके टीममेट भी सर्वाइव हो जाएगा, ठीक है, मतलब जिंदा हो जाएगा वापस से। तो ये सोलो डेयर सेल्फ रिवाइवल जो है ना गाइस बहुत ही खतरनाक है, इस चीज को यूज करने आपको बस आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू पीक। यस माय फ्रेंड, न्यू पीक आप बोल सकते हो फ्री फायर का हम लोग का जो ओल्ड पीक था वो रिमूव होने वाला है, जहां पहले आपका डबल डोर था वो नहीं रहेगा, जहां आपका ब्लैक हाउस था जो टूटा फूटा छत था वो भी नहीं रहेगा, ब्लैक हाउस के साथ साथ मल्टी विंडो भी गायब हो जाएगा, यहां पे जितने भी छोटे मोटे घर भी था उसको भी फ्री फायर तोड़ फोड़ के निकाल दिया जाएगा। फ्री फायर क्या करेगा, यहां पे स्विमिंग पूल बनाएगा उसको नहाने के लिए खुद का, मतलब क्या करो यार, फ्री फायर एक नया स्विमिंग पूल बना रहा है हम सभी के लिए, ठीक है, हम लोग पीक में आप यहां पे नहा सकते हैं, भाई क्या बोलो। फ्री फायर ने नया अपडेट में क्या करेगा, एक नया मतलब यहां पे नया तरफ से घर वगैरह बनाएगा और कुछ स्विमिंग पूल बनाएगा और कुछ कुछ मतलब थोड़ा अलग न्यू स्टाइल में, जैसे हम लोग को यार बरमूडा रीमास्टर्ड आपको पता ना गाइस थोड़ा सा हरियाली किया था, इसी तरह यहां पे भी होगा, ठीक है, नया पीक में। तो बोल सकते हो गाइस मेरी तरफ से, तो गाइस समझ लो यार मुझे तो पसंद नहीं आया, लेकिन आपको पसंद आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यू इवेंट के बारे में। फ्री फायर ने 3 इवेंट के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, फ्री फायर में 3 इवेंट आने वाला है, वो है रैम्पेज फिनाले, सबसे पहला इवेंट है रैम्पेज फिनाले, एंड सेकंड इवेंट है वो है बुया डे 4.0। यस माय फ्रेंड, बुया डे 4.0 भी आने वाला है, एंड तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है कोलैबोरेशन
इवेंट फ्री फायर की तरफ से, वो है डेमन स्लेयर। ओके, फ्री फायर एक्स डेमन स्लेयर बोल सकते हो, फ्री फायर इनटू डेमन स्लेयर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपडेट आने वाले फ्री फायर की तरफ से। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे फ्री रिवार्ड्स भी आएगा। आगे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ आपको कौन सा सबसे बेकार अपडेट लगा है, सबसे बेकार। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उस अपडेट का नाम बताओ, किसी को पता नहीं चलेगा आपको कौन सा अपडेट बेकार लगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे जो अपडेट बेकार लगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितना शेयर होगा ना भाई उतना मजा आने वाला है, जल्दी शेयर कर दो।